माँ लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तो उससे कहूंगी तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला कर दे दे। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है। और बात ठंड की नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए शरीर में जान नहीं है, इस फटे कंबल में ठंड रुकती नहीं है, बेटा कल एक कंबल लाके दे दे। बेटा गुस्से से बोला, इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया है, पोते को स्कूल में एडमिशन कराना है, कुछ पैसे हैं लेकिन उस बच्चे का स्वेटर लाना है, तुम्हारी बहू के लिए एक शॉल लाना है, तुम तो घर में ही रहती हो सहन कर सकती हो, हमें बाहर काम करने के लिए जाना होता है, सिर्फ 2 महीने की सर्दी निकाल लो, अगली सर्दी में देखेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप उस कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह देखा तो माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। बेटे ने सबको खबर दी कि माँ अब दुनिया में नहीं है। सब रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी इकट्ठे हो गए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत बढ़िया आरती सजाई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को उड़ाया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी, हमें भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा मिले। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप आज आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप जो भी कुछ हो वो उन्हीं की मेहनत और आशीर्वाद से हो। जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना आपका पहला कर्तव्य बनता है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है।